Go inside? Yes, I'm going to tell you. Shall we start? Yeah. Come. So we'll start. Tell. Jo nahi hai. अभी हमें वैसे कौन सा कलेक्शन ज्यादा हाईलाइट करना है? पार्टी वेयर डोंट कम इन द दिस वन या पार्टी वेयर देख मेरा कैंडल ओके अभी आई वी हैव कैजुअल आल्सो ओके बट वी आर हाईलाइटिंग पार्टी वेयर एंड ये टाइम मैरिजेस का भी होता है या ओके तो इस तरह से ओके माय सब है सर अरे भाई हमारी क्या Wait, 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 wait. अच्छा जो मतलब डिजाइन और ये सब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इनके ऊपर बाकी फैमिला आप बताइए अपने कलेक्शन के बारे में आई हैव लॉट्स ऑफ पार्टी वेयर एंड कैजुअल मींस आई हैव एवरीथिंग इन द स्टोर वेस्टर्न इंडियन आई मीन और मैं जानती हूँ कि इस मंथ में काफी लोग शादी करते हैं जैसे मैंने भी की थी तो सबके लिए काफी सारे ऑप्शन है ब्राइडल वेयर है और मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो मेरे दिमाग में इनफैक्ट सोहम का बर्थडे भी आने वाला है तो मैं आपको मिलवाती हूँ फहमिदा शेख से जो कितना
सुंदर लग रहा है. तो मैंने मतलब पहले मैंने वेस्टर्न चूज किया था, बट अब मुझे एथनिक इनका इतना प्यारा लग रहा है कि मैं एक ड्रेस एथनिक भी रखने वाली हूँ, सो दैट अगर मेरा मूड करेगा इंडियन पहनने का तो डेफिनेटली ऐसी ही ड्रेस को तो किसका मूड नहीं करेगा पहनने का. इनफैक्ट सो मैनी आर हेयर. सो ये भी बहुत लाइट सी यू नो गाउन कुर्ती है, बिकॉज दिस टाइम आई विल बी इन गोवा फॉर माई एनिवर्सरी, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. और मैं आपको वेस्टर्न में भी दिखाती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं. So this black, this is very sexy jumpsuit. बहुत अच्छा है, बहुत different है, बहुत unique है. This is also जैसे आप जानते हैं ना jumpsuit इस बार बहुत fashion में आ गए पहले की तरह, पहले से जैसे. So ये भी बहुत amazing है. I think ये events में बहुत अच्छा लगेगा. And this dress. दिस गाउन ये भी मेरा मतलब फेवरेट हो गया. आई थिंक दीपिका का वाकई में इस पे दिल आ गया है, और देखा गया है बिकॉज़ इट्स इन गोवा, मेरे दिमाग में गोवा है. और डे टाइम में मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा, और इवनिंग में मैं वो ब्लैक गाउन कुर्ती पहन सकती हूँ. तो अभी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से, और बाकी सोहम का बर्थडे भी आ रहा है तो, और अगर आपने शायद पहले देखी भी होगी, शूट भी की होगी, तो फेमिदा की जो बेस्ट चीज़ है वो स्लिट है. और मतलब मैंने इस तरह का लहंगा नहीं, कभी स्लिट का लहंगा इतना प्यारा नहीं देखा है. तो और वो भी ब्लैक एंड मेहरून का कॉम्बिनेशन विद दिस कलर गोल्डन, बहुत सुंदर लग रहा है. तो मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है. तो आप प्लीज़ आइए बैंड्रा में, मुंबई में अगर आप हैं तो बैंड्रा आइए फहमिदा शेख के स्टोर में, और आई एम श्योर कि यू नो आपकी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से हो जाएगी. ओके, आपने सोहम की इजीली जा रहा है तो कोई इसमें डिफरेंट, और आपको बिकॉज ये गोल्डन से काफी शाइन भी देता है फेस पे. ओके फहमिदा, हमने देखा कि आप काफी कलर्स यूज. वाओ, ये भी अच्छा है. एंड वन दिस आल्सो केप कुर्ती, केप कुर्ती. ओके फहमिदा शेख के इस शोरूम में आज मैं अचानक से इसलिए पहुंची क्योंकि लड़कियां अचानक से कभी भी शॉपिंग पे चले जाती हैं, और बाकी मौका भी है मेरे पास में कि बिकॉज 2 मई को मेरी एनिवर्सरी है और 28 मई को मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है. तो काफ़ी सारी, इनफैक्ट समर है तो यू नो अभी विंटर्स फिनिश हो चुकी है, तो अभी वार्डरोब फिर से चेंज करनी है, और समर के क्लोथ भी मुझे काफ़ी सारे चाहिए. और आई थिंक यहाँ पर आके मुझे सारी बेस्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं, मुझे और कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ मुझे काफ़ी सारे कलेक्शंस बहुत पसंद आए हैं. बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने कुर्तीज़ में ही इतना ब्यूटीफुल काम किया है कि मतलब वो इंडो, एकदम इंडो वेस्टर्न है. दिस इज़ केप कुर्ती, मुझे बहुत अच्छा लाइक फॉर डेली वेयर, दिस इज़ वेरी प्रिटी. एंड फैक्ट यू कैन गो फॉर लाइक इवनिंग में, आप डिनर पे भी इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी समरी कलर, और बहुत अच्छा है यू नो. और समर्स की बेस्ट पार्ट क्या होती है, हवा जब चलती है तो इस तरह की कुर्ती जब उड़ती है, ओह माय गॉड इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स आते हैं, अमेजिंग. एंड दिस कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. तो ये भी मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है. तो मतलब मुझे एनिवर्सरी के लिए तो ले रही है, बट डेली वेयर्स के भी मैं काफ़ी सारे कपड़े यहाँ से उठाने वाली हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी कुर्ती, बहुत सुंदर है. और ये फहमिदा की क्वालिटी है नो, अपने जरी वर्क से उसको इतना उस पहली बात तो इस फैब्रिक पे जरी वर्क होना इतना डिफ़िकल्ट है, मगर उन्होंने इतना अच्छे से उसको किया है और उसको और ज़्यादा उठा दिया है, इन्हांस कर दिया उसकी ब्यूटी, और इतना प्यारा कलर चूज़ किया है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट ऑप्शन. ऐसी कोई कुर्ती जिस पर आपकी पहली बार में नज़र टिक गई हो? मुझे सारे कपड़े ऐसे लग रहे हैं कि मतलब यू नो ये मेरी वार्डरोब में होने चाहिए. मुझे ऐसा एक ऐसा कोई नहीं है कि नो, बिकॉज हर एक ड्रेस जो है ना, एक जो है आपका डिनर डेट या यू नो हर कोई ना कोई इवेंट पे एकदम बेस्ट जाती है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. इन फैक्ट जैसे सुना गया कि मैम आपके पास एक पर्सनल बेडरूम, बेड मतलब रूम बनाया अपने कपड़ों के लिए काफी. यस, वी एक्टर्स ऑलवेज शौकीन हो, आप इस बारे में बताइए थोड़ा. मैं कपड़ों की बहुत शौकीन हूँ, बिकॉज कपड़े आपको बहुत पसंद है.
मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट डिपेंड करता है एक्चुअली, मैं ओकेजन्स के हिसाब से जाती हूँ. तो मुझे वेस्टर्न भी बहुत पसंद है, डिपेंड कि मैं किसके साथ जा रही हूँ और कहाँ पर. अगर मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इंडियन पहनूँ. और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ रोहित के साथ, तो मैं वेस्टर्न पहनती हूँ. तो इस बार कहाँ प्लान आप? मैं इस बार गोवा जा रही हूँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. गोवा के लिए कुछ आपने अपने लिए? बहुत सारी ड्रेसेस, मतलब मेरा लगेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है. इनफैक्ट हाँ, सो मैं ये वाली गाउन कुर्ती भी कैरी करने वाली हूँ. वेरी लवली कलर एंड लवली जरी का काम हो रखा है इसमें, बहुत प्यारा. एंड आई थिंक मेरे पे बहुत सूट भी करेगी. और ब्राइडल कलेक्शंस के बारे में कुछ बताना? दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी. नो समर भी है और इसमें जो है रेड से जो उसको इन्हांस किया है, मतलब इस ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है. और ब्राइडल्स के लिए कुछ आप बताना? यस, ब्राइडल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर. इसमें भी इनकी स्पेशलिटी है, यू नो, ब्राइडल वेयर में. तो और उसको मतलब वेस्टर्न टच भी, यू नो, तो इसमें स्लट जो दिया हुआ है और फिर ये गोल्डन शेड ब्लैक टॉप है इसका, तो वेरी अमेजिंग. सारे बहुत सुंदर हैं. आप और भी देखेंगे तो आपको सब ऐसा लगेगा कि यू नो ये क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा. तो बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर बैचलर्स नाइट, फॉर संगीत एंड फॉर यू नो एनी फॉर एंगेजमेंट सेरेमनी, फॉर फॉर जो मैरिज डे. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर. तो एंड वेस्टर्न भी आप देखिए, वेस्टर्न भी यू नो ये मेरा फेवरेट पीस हो गया है आई थिंक गोवा के लिए. और देयर आर सो मैनी, बाकी जंप सूट इज आर ऑल्सो देयर. बहुत प्यारे प्यारे जंप सूट सामिना ने बनाए हैं. सी इसका जो स्लीव्स है, इट्स वेरी नाइस. दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. ये मैं फॉर शोबो पहनने वाली हूँ. वेरी प्रिटी. मतलब जो है आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा. दिस मुझे लगता है फैमिदा से मैं अब रेगुलरली किसी ना किसी इवेंट पे लेने वाली हूँ सारे कपड़े, कि मुझे अब ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए. लगता है फैमिदा मैम ने आपको ध्यान में रखते हुए सारे कपड़े डिजाइन. नहीं नहीं, उन्होंने जो आज की लड़की है, जो एक वुमेन है, उसको ध्यान में रख के, इंडियन वुमेन को ध्यान में रख के सारे कपड़े डिजाइन किए हैं. और वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर लाइक, जैसे मैं इनके कपड़ों के प्यार में हूँ, वैसे डेफिनेटली आप भी इनके कपड़ों के प्यार में होने वाले. और आज आपने जो पहना है ये भी मैम का बनाया हुआ है. यस यस यस, तो दिस इज ऑल्सो जो मैंने आज पहना हुआ है, दिस इज अ गाउन लाइक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्लिट दिया है एंड वेरी नाइस. बेस्ट चीज है कि फिट एकदम फर्स्ट टाइम फिट हो गया, तो ये बेस्ट चीज़ है. यू नो कई बार हम लोग कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट सोचते हैं यार ऑल्ट्रेशन पता नहीं ठीक से होगी या नहीं होगी, उसमें कहीं उसकी लुक ना चले जाए, तो हम लोग डाउट में रहते हैं. बट यू नो ये बेस्ट क्वालिटी है फैमिदा की. मैंने एक बार में ट्राई किया और वो मेरे को एकदम अमेजिंग फिट आया. और मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस. तो क्रीम कलर मुझे पहनना था, उसको ब्लैक से इन्होंने स्टैंड आउट किया है, तो ये बहुत अच्छा है. यू नो डे लुक में, इवनिंग में, सब में जाने वाला है, बिकॉज इट हैज़ अ गोल्डन this embroidery work also. बाकी फैमिली आप बताइए अपने कलेक्शन के बारे में. माई कलेक्शन इज यू थिंक एंड वी हैव इट. ऐसा मैंने कलेक्शन बनाया, पार्टी वेयर, वेस्टर्न वेयर, कैजुअल वेयर, एवरी थिंग. यू कम एंड हैव अ लुक. वी आर अवेलेबल विद ऑल काइंड ऑफ वराइटीज ओवर हियर. मैम आप कुर्तीज के बारे में कुर्तीज दिखाना चाहेंगे? ऐसी कोई कुर्ती जो आपको पहली बार में देख के बहुत पसंद आई हो? मुझे सारी कुर्तीज बहुत अच्छी लगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ. यहाँ ये ड्रेस मुझे बहुत प्रिटी लगी, लाइक फॉर एनी ब्राइड. आई थिंक कोई भी ब्राइड इसमें प्रिंसेस लगेगी. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पीस. बाकी कुर्तीज मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ मुझे ये वाली कुर्ती बहुत प्यारी लगी थी. ओह सॉरी, I love this color. और इसको जिस तरह से यू नो थोड़े थोड़े से काम से जो उसको हाईलाइट किया है, मतलब बहुत सुंदर है ये. बहुत डिफरेंट पीस है. और मैम इस बार आप आगे के प्रोजेक्ट क्या होंगे आपके? आपको दर्शक आपको देखना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? दर्शक मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी काम करना चाहती हूँ. जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे आएगी या मेरे सामने आएगी, मैं डेफिनेटली उसको यस करूँगी. और बाकी ब्लेसिंग्स की हर इंसान को ज़रूरत होती है, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. माय प्लेजर. 47 मिनट्स.
एक पिक्चर मुझे सोलो चाहिए या साथ हमिता के साथ चाहिए ओके ओके ये लो पिक्चर अच्छा वाला चाहिए मैंने ब्यूटी प्लस ऑन किया उसमें कलर से लग जाता है ओके चलो लो आई एम लीविंग मुझे लाइट कलर्स और जो ज़्यादा हैवी ना हो यू नो बहुत डेलिकेट इंट्रिकेट हाँ सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद है वैसे ही यू नो मुझे लगता है फहमिदा जी अग्री करेगी कि समर्स में बहुत ही हैवी कपड़े पहनना एक तो वैसे ही गर्मी हुआ ऊपर एक पर्सनल एसी लग जा लेके जा नहीं सकते हर जगह तो एकदम कूल और कैजुअल कपड़े ज़्यादा पहनना ज्यादा मैं पसंद करती हूँ आपको ऐसे कौन सी कुर्तीज पसंद आए जो एक नजर में पसंद जो एक नजर में पसंद आए मुझे ये और ये बहुत पसंद है ये बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत है और जैसे आप अग्री करो आप ज्यादा बताओगे बेटर इसके बारे में इट इज वेरी सिंपल बट इट हैज अ कट व्हिच गिव्स यू अ डिजाइनर इफेक्ट करेक्ट इट इज दैट वे कलर पे भी हम ऐसे वर्कआउट करते हैं कि ना बाहर पहन के जाने के बाद पीपल शुडंट फील कलर से भी फील हैवीनेस ऑफ हॉटनेस Yeah. So I choose a, I see to it that we choose a color like which is very cool on our body. Correct. And jo inka cut hai, wo bahut hot hai. So it's a hot cut. और वैसे शादियों का मौसम भी आ रहा है वापस नहीं करानी है मेरी शादी काफी सारी लड़कियां ब्राइडल लुक देखना चाहती हैं तो आप उस कलेक्शंस के बारे में ब्राइडल भी है यहाँ दिस इज योर ब्राइडल लुक राइट तो This is an evergreen color, I think. Everybody likes this color. Actually, off late, last 5-6 साल में ये कलर ज़्यादा रेड को और ये हाँ करेक्ट तो ये गोल्ड कलर ज्यादा अभी फैशन में आ रहा है एंड आई लव द स्कर्ट द स्कर्ट लहंगा सॉरी मैं तो स्कर्ट ही बोलती हूँ बट एनीवे लहंगा तो आप इसके बारे में बताइए इनको दिस इसका है ना हम लोग ने चोली बहुत हैवी कर दिया दैट इज व्हाई वी गेव अ डिजाइनर कट ऑन द लहंगा और ये अंदर भी या बट इट्स स्टिल वेरी सिंपल देयर इज नो एम्ब्रॉयडरी ऑन द लहंगा ओनली वर्क इज ऑन द चोली फिर ये भी ब्यूटीफुल कलर और ये बिल्कुल हैवी नहीं है यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर डिजाइंस के ये बहुत ही सॉफ्ट और पहना जा सकता है आप 8-8 घंटे खड़े रह सकते हो उस स्टेज पे यू नो जो इंडियन शादियों में रहना पड़ता ही है एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड दिस आल्सो लहंगा चोली एंड एनीथिंग अबाउट द डिजाइन It has a sequence and resham embroidery, which will give you a very elegant look. It's not going to make you look gaudy also, but it will definitely make you look beautiful. Yes. All your designs will make people look beautiful, Fahmida. You know, they are all very beautiful. Westerns look ke bare mein kuch baat kare to aapko kaise dresses pasand hai ya kuch? Western mein wahan dekhe hum. Wahan dekhe? Yes. Theek. To westerns mein देखिए मैं ज़्यादा करके जीन्स और शॉर्ट स्कर्ट्स ये पहनती हूँ लेकिन अगर आपको फॉर्मल जाना हो या कहीं नाइट वेयर नाइट पार्टी जाना हो तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ये आजकल की लड़कियाँ बहुत
ऐसे पहन के यू नो प्रेफर करती है गर्मी में शॉर्ट बट इट्स हॉट यू नो सो शॉर्ट एंड हॉट अगेन यू नो और जैसे ये है ये मस्टर्ड कलर येलो कलर आई थिंक इट्स वेरी इन डस दिस गो लाइक दिस तो दिस इज अ वेरी इन थिंग सॉरी ये इधर अटका हुआ तो दिस इज इन वोग आई थिंक आई लव स्टफ लाइक दिस यू नो इट्स वेरी फैशनेबल इट्स वेरी इन एंड इट्स ऑफ टुडेज टाइम तो ऑल हर स्टफ इज वेरी ब्यूटिफुल बट आई लाइक दीज टू क्वाइट अ बिट लुक एट दिस ट्राइबल ब्यूटिफुल अच्छा बाय द वे ये टॉप भी इन्हीं का है जो मैंने पहना है जीन्स के ऊपर तो आई वुड प्रिफर ड्रेसिंग अप लाइक दिस फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट आपके यू नो यू डोंट हैव टू ऑलवेज ड्रेस अप इन शॉर्ट ड्रेसेस और शॉर्ट स्कर्ट्स टू लुक हॉट यू जस्ट नीड फेमी द शेक फॉर दैट राइट थैंक यू सो मच इससे बेटर लाइन नहीं हो सकती नहीं